ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਲਟੀ ਜੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਦੀ ਜੇ ਬਾਲਟੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲਟੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ चूल्हा जाना साडा दूसरा भी जाना तैयार होया खड़ा कटन लग गया बाकी इंदी आली दात्री ने जे रगड़ाई वगैरह जे इनो कर लवांगे बाद और जी मेरे दो दो चूल्हे जे माशाल्लाह तैयार हो गए और मिट्टी जे इन हो गई है खत्म और हुन सारे भैन भाई जो जरूर कमेंट करके दसना कि चूल्हे जो कैसे बने हाली इंशाल्लाह जो शामी इन्होंने जो बाकी काम वगैरह करेंगे मिट्टी और पानी भी जो पहले बहुत गर्म निकल गया और दूसरा चूल्हा जो तकरीबन एक जुटी खड़ा जड़ी ना बड़ी आसान है लेकिन जो सख्त मिट्टी बनानी जड़ी ना बड़ी मुश्किल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दुआ करना मैं तमाम बहन भी जिसे रहन खुश रहन बाद रहन हमेशा से मुस्कुराते रहन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और जी मिट्टी जी ने साड़ी बेच के हो चुकी है तैयार लेकिन जो ज़्यादा मतलब कि नरम मिट्टी जी नहीं बेनी सिनी सुकी जी ने मिट्टी बेनी है क्योंकि चूल्हे जो बनाने ने मतलब कि चूल्हे के जो एक हिस्सा जो इतने बहुत तो बसर मिट्टी ने जो तैयार करेंगे और दूसरा जो है ना हिस्सा जो मतलब जो थले थड़ी बनानी है वो जो चिकनी मिट्टी ने करेंगे ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी अंगीठियाँ नहीं है पहले जो चूल्हे बनाने उपरले हाँ उपरले चूल्हे बनावा जी अंगीठियाँ बनानी ने चिकनी तो दूसरी मिक्स ना बनावे क्योंकि मजबूत हो जाएंगे उन चकीनियाँ होंगे ने तो जो उपरले हिस्से होने ना तो इंशाल्लाह बगैर इंतजार किए जो ना मिट्टी जी सारे पहले जो ये बनाने और नरम मिट्टी बनानी थी जड़ी ना बड़ी आसान है लेकिन जो सख्त मिट्टी बनानी जड़ी ना बड़ी मुश्किल है और जी मिट्टी तैयार हो गई है चूल्हा बनाना जो करता शुरू इंशाल्लाह आज जो कोई 3-4 जो तैयार कर लेने और ये काम शुरू तां कीता तंदूरियां दा काम हो गया बंद हुण अगे जिहड़ा ना ये चूल्हे का काम जिहड़ा सर्दियां तिकर जिहड़ा चलना क्योंकि गर्मियां दे विच हुण जिहड़ा जिन्हां दे पक्के चूल्हे जिहड़े लगे होए ना हुण मतलब कि उत्थे आ जावे धुप उत्थों अगे पिछे जिहड़ा ना जा नहीं सकदे उह चूल्हे इहनां दे हुंदा ए विक जांदे जिथे छां होई उत्थे चक के जिहड़ा ने चूल्हा रख लिया इस वजह से जिहड़ी डिमांड हुंदी आ काफ़ी सारे बंदे जिहड़े ना पुछदे ने मैं बना बना के रखी जाने क्योंकि 300-400 का अलहमदुल्ला जो सेल हो जाता है चूल्हा अगर सही तरीके जो बने हुआ होगा और इतने जो इन्ना मजबूत कोई नहीं होना उपरों चिकनी मिट्टी ना जो ज्यादा मजबूत होना इतने इन्ना ज्यादा जो मजबूत नहीं होता और सिन्नी सुकी जी ने मिट्टी इस करके मैं लाई हूं ताकि जो बाल्टी फौरन जी उपर खिंची जाए क्योंकि कहना जाना फिर तैयार करने अगर गिली मिट्टी लाई तो फिर 2 दिन जानी ना बाल्टी इतने जी ना पई रमनी और इतने जो मजबूती एड्डी खास नहीं होंगी पे मजबूती होनी जो उपरों चिकनी मिट्टी ना जी पीना उदो इन्नी मजबूती होनी रैत जो बड़ी स्पीड ना जो बनाई मैं 15-20 मिनट तक जो चूल्हा तैयार कर लेना
लेने मिट्टी कुछ देनी है, साइड लेके रख लेंगे। अगर किधरों पतला है नीमा उच्चा हो जाता है बाद दातरी ना जेड़ा रगड़ाई करके जेड़ा पूरा काम करना। बाल्टी तो बड़ा फायदा हो जाता है, मिंगा चूल्हा जेड़ा नहीं हो सकता। और ये इंशाल्लाह क्वेश्चन में कंप्लीट कर लूंगा फिर तुम भी करना। चूल्हा जेड़ा साडा माशाल्लाह पहला जेड़ा कंप्लीट हो गया, एक एक बार जेड़ा नोट देना। और मसला सिर्फ यो बनया खुता कि गर्मी जड़ी ना बहुत ज्यादा उत्थे गार्डन ले थोड़ी छां है, लेकिन उत्थे जड़ी ना कीड़ियां ने, कीड़ियां दी वजह से जड़ी ना उत्थे नहीं बना सके। कोई नहीं, चलो इंशाल्लाह जड़ी ना बस एक दो ही जड़ी ना और बनने ने, बस वो घंटा लग जाएगा। और गर्मी की वजह तो स्पीड में चंगी लाई ना जल्दी जल्दी ना जेड़ा चूल्हा बन जाए। और जी आखिरी आखिरी बार इस जूते जो फिर चिकनी मिट्टी के डूडन वगैरह जो लाने ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਦੀ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੈਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲਟੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि जगह जी ना वेखनी पी डाल आली कह रहे लेवा ले, ताकि जेड़ा ना मतलब कि चूल्हा जेड़ा इधर तो नीवा उच्चा ना बने। एक दो बार जाना मुश्किल दिखते हैं, अब बाल्टी हल्दी है ना उस तो बाद जान चोन नबेड़ा हो जाता। सारा तो ज्यादा तो मैंने घबराई खोती ना गर्मी। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ पहला वार जो कंप्लीट हो गया। मैं वेले रहना बेहतर बाहर जो रखा ना बना बना के चूल्हे,
सेल होंगे रहन दे, कुछ घर का जाना खर्चा जाना निकलता रहा करेगा। और जी चूल्हा जो साडा दूसरा भी जो तैयार होया खड़ा। और नाल जो जोड़ रलाने होंगे ने ताकि बाद कोई परेशानी वगैरह जो ना बने। मिट्टी भी जी साड़ी प्यार सोख गई हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, एक उससे छोटा जो बार जो और दे लवेंगे। और मैं अद्धा घंटा हो गया इतने बैठे में, तो गर्मी जी कंड मेरी आग वांग हो खड़ी है। चूल्हे ना इधर जो थोड़ा जो बाहर जान देना पौना और निका निका कोई दे लेंगे। गर्मी जी बहुत ज्यादा मैं जो घबराई खड़ी है, इतना चूल्हे नहीं घबराई खो तो इतना गर्मी घबराई खड़ी है। मिट्टी भी जी सारी गई सुख, पानी जो पा छड़े तो सजे पानी काम नहीं देना। और जी सैकेंड टाइम जो इन्होंने पा लवेंगे पानी, और पानी कह रहे हैं सॉरी चिकनी मिट्टी ने जो लिंब लवेंगे, थड़ियाँ भी जो चिकनी मिट्टी की वो भी जो पड़ानी है। और जी हूँ दूसरे चूल्हे में जो कढ़न लगे बाकी दियाली दात्री ने जो रगड़ाई वगैरह जो इन कर लवेंगे बाद। और जी मेरे दो दो चूल्हे जो माशाल्लाह तैयार हो गए, और मिट्टी जी हो गई है खत्म। और हूँ सारे भैन भाई जो जरूर कमेंट करके दसना कि चूल्हे जो कैसे बने। हाली इंशाल्लाह जाए शामी जाना फिर जाए बाकी काम वगैरह करेंगे, मिट्टी जी ने कुट के जी ने होर भी बिन्ने शामी जी मतलब कि दिल लग मेरे को क्योंकि ठंडा टाइम ही होना कट्ठी मिट्टी जी ने बना के 10-12 चूल्हे जी ने बना देने इंशाल्लाह। तो हूँ जो मिट्टी साइड कर लवा और मुँह आते हैं धो लेने कोई दोपहर का टाइम जो रेस्ट करने फिर जाना ना दूसरे काम वगैरह जी ने करा। इनके उपर जो पानी छिड़ दें ताकि जो शाम तक जी नरम रहेगी।
शाम तक करे नरम रहेगी, दोबारा फिर जो काम देवेगी। कौन दे और पानी भी जेड़ा ना पहले बहुत गर्म निकल गया और साडा पानी जेड़ा ना माशाल्लाह नलका बहुत ज्यादा जेड़ा ठंडा निकला। शाम तक जाने चूल्हे भी जे सुख जावन को मुँह आज जाना मैं धो लिया और ये मिट्टी नहीं है ये सोना सोना इन जा जितने तुम्हें मिट्टी बनाई जानी तुम इन जेना पैसे मिलने ने कोई जाया नहीं होनी बस बीजा तो जो बचाना टुटन तू तो तंदूर बना लो चूल्हे बना लो ताड़ी मेहनत जी जाया कोई नहीं जाती वेख जरूर लाजमन जाती लेट हो सकती लेकिन जाना वेख लाजमन नहीं जाती और गमला जान डिगया पे क्योंकि मिट्टी जिमें समझ जाना सोना ही निकलता वो इस तरह निकलता कि जितनी हूँ मैं मेहनत की मतलब कि इन्होंने तैली दो दिन जो मेहनत और होगी कम अज कम जो 700-800 रुपए की जेना मैं कमा लिया वो इन कमा लिया क्योंकि बाहर इन्होंने रख देना है ना 350-400 का एक चूल्हा जो तैयार हो अद्धा चूल्हा तैयार हो गया अद्धा मजीद हूँ थले थड़ी वगैरह जी बनावे ना वो तैयार हो जाएगा टेंशन वगैरह जी इन्होंने खत्म हो जाएगी सुबह तीकर क्योंकि हूँ इन्होंने टेंशन भी सुख जाए फेरे सलामती क्योंकि इतों इन करके लगते टब्बे बच्चे उपर जाए मेहनत जी जाया ना हो जाए और दोवें चूल्हे जाना अलहमदुल्ला अपने तैयार हो गए हाँ और मैं सारे बहन भाई दस रहा उसमें मिट्टी नहीं है सोना है हाँ जी क्योंकि जितनी मेहनत जाना करनी है ना तुम्हें जी जरूर इंशाल्लाह जी मिल जानी है बाकी अल्लाह सोना खैर सुख रखता तो इंशाल्लाह जी शाम जाना फिर इतनी जो छां आ जाएगी ना सारी मिट्टी जी कट्ठी कोई 10-12 चूल्हे की जी कुटा मैं हूं तो कुटी मैं आखिर जाना तकरीबन 3-1 बन जाए लेकिन चूल्हे जाना बने ने सिर्फ 2 लेकिन कोई नहीं शाम टाइम जाना फिर बना लवेंगे और बड़े ही नाइस चूल्हे बने ने और जी इतने यार के अंदर बैठे हैं तो लाइट जी चली गई है कूलर यार चलाया ना 2-4 मिनट चले और लाइट जी चलेगी बाकी बेगम साहब थे बच्चे नुमान जे उधर जो बैठे ने सोलर प्लेट पंखा लेकिन जो उधर जगह जी तंग इस करके जो अब पंखा जो लवा लेना इतने फिर परेशानी जी कोई नहीं ठंडा तो इतने जो छत पंखा जो चलेगा ना तो मसला कौन क्योंकि ज्यादातर जो पंखा चले आंदा इधर जितने दाने बड़ोलियां पीन उन्होंने उपर जो पंखा चलता पर इन्नी ज्यादा हवा जी नहीं लगती और हवस वगैरह जी बहुत ज्यादा उस कमरे च बननी लेकिन अज मिस्त्री ने जी कॉल की अज पंखा इंशाल्लाह जो इतने शांत कर जो लग जाएगा सुबह ने टेंशन कोई नहीं होनी क्योंकि इतने जो सारे बैठे रहे करा क्योंकि 3 मंजे जो पे होने इधर मंजा होर भी पै जाता क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी व्डा जो कमरा मैं भी जाना इधर बहर आ गया मैं जाना चूल्हे देख ली अगर जो चोन हूँ हार्ड हो पेने तिरिश के जो इको जे कर लेने क्योंकि ज्यादा सो गए फिर जाना इको जे नहीं होना और बेगम साहब जो दातरी लैके जाना आ गया अच्छा मैं उन्होंने जाना इको जे जाना कर लवा ठीक है ना हाँ क्योंकि हूँ जाने गिले गिले इको जे जो जाने ने फिर बाद इतने होने मैं आख लैट तो फिर अगे चली गई इन्होंने जाना इसी जै पदरिया जाना कर लवा और तंदूरियां ना ज्यादा जी मेहनत चूल्हे से होंगी क्योंकि इन्हें चूल्हे ने हाली 2-3 दिन और लै जाने क्योंकि हाली तक इन्हें जो तला जेड़ा ना वो बनाना गलती ये की नाल नाल जेड़े ना रख बैठा Thank you.
और ये दूसरा चूल्हा जेना तकरीबन में कोजे जेना टूटी खड़ा हाले तक इन्हें साफ सफाई उसी जो अंगीठियां बाढ़ गई अंगीठियां उत्ते रखी जे जो इन्होंने उपर सेन के लूडन वगैरह जो लाए लेकिन पहले ना कुछ जो बेहतर ही हो गए और इन्होंने जोड़ा काम रह गया वह करा हम शाम नू मैं भी जा रहा दरबार मैं पूरा पता कर ली फिर जी मैं करने कुछ रेस्ट बैर मैं कस्टमर वगैरह जी आ जाने लेकिन जी कोई नहीं तो इंशाल्लाह आज देला विलाग भी जी कर रहे हैं इतने खत्म मिलने किसी नेक्स्ट पिछले विलाग दे अपना ढेर सारा ख्याल रखे जे दुआवें याद रखे जे इन्ह दुआवें इजाजत इंशाल्लाह शाम वाला विलाग शाम वाला विलाग जी जरूर देखना क्योंकि शाम वाले विलाग चूल्हे जो करने कंप्लीट क्योंकि धुप जी काफ़ी सारी है चूल्हे जो शांत कर जाए सुख जाए तो इंशाल्लाह इन्होंने दुआवें इजाजत अल्लाह हाफिज़।